चलिए मुझसे बात मत कीजिए, मेरी तरफ देखिए मत, कोई बात नहीं, पर आप तो अपने आप को भूल गए हैं। क्या हाल बना रखा है, आपने आईना नहीं देखा है, आप अपना चेहरा देखते तक नहीं है, किसी से बात नहीं करते हैं, कहीं आते जाते नहीं, कोई मिलने के लिए कहता है तो मना कर देते हैं। अनुज क्यों, आंखें बंद होती है लेकिन सोते नहीं है, आंखें खुली होती है तो जागते हैं पर ध्यान कहीं और होता है। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा अनुज, क्यों अपने आप को ऐसी तकलीफ दे रहे? देखिए अभी भी मैं आपसे बात करूं लेकिन आप कुछ कह ही नहीं रहे, आप बात ही नहीं कर रहे। ऐसा मत कीजिए अनुज, अपने आप को किस बात की सजा दे रहे हैं आप चाहे तो मुझसे झगड़ा कर सकते हैं, मुझ पे चीखिए चिल्लाइए बुरा भला कहिए जो कहना है कहिए, लेकिन कुछ तो कहिए ना अनुज, कुछ तो कहिए, ऐसे चुप मत रहिए। हाँ आप कुछ भी कहेंगे वो मुझे इतना नहीं चुभेगा जितना आपकी ये खामोशी चुभ रही है। अनुज आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा ना आपको मुझसे बात करनी होगी, आप जो कहाँ जा रहे हैं आप नहीं जा सकते अनुज, अनुज मेरे लिए नहीं किसी और के लिए नहीं, अपने लिए मुझसे बात कीजिए ना अनुज, क्यों अपने आप को ऐसे सजा दे रहे हैं, क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हैं अनुज, क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखिए छोटी के जाने का धोखा सिर्फ आपको नहीं हम सबको है, हम सब दुखी है लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं क्या? अपने आप को क्यों सजा दे रहे हैं अनुज? अनुज मेरी बात सुनिए रे, एक बार मुझसे बात कर लीजिए, एक बार मुझे जानना है आपके अंदर क्या चल रहा है अनुज, आपके अंदर क्या चल रहा है मुझे बताना होगा अनुज, आपको मुझसे बात करनी होगी, मुझसे बात कीजिए। नहीं करनी मुझे बात तुमसे। कैसे नहीं करनी, कैसे नहीं करनी आपको मुझसे बात, आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी। मुझे नहीं करनी। अगर आप जिद्दी है ना तो मैं भी जिद्दी हूँ कपड़िया जी, आपका गुस्सा मेरे प्यार से बड़ा नहीं हो सकता। नहीं करनी बात मुझे। कैसे नहीं करनी आपको बात करनी होगी, आपको मुझसे बात करनी होगी, आप ऐसे ये सब अंदर रखेंगे तो आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। नहीं करनी बात मुझे, मैंने कहा ना मुझे नहीं करनी बात। अनुज अनुज दुख से लड़ा जाता है, दुख के सामने घुटने नहीं टेके जाते, हम सब लड़ रहे हैं तो फिर आप कमजोर कैसे पड़ सकते हैं? आप तो छोटी और मेरे सुपर हीरो हैं, तो आप कमजोर कैसे पड़ सकते हैं अनुज, आप कमजोर नहीं पड़ सकते। और देखिए देखिए हमारी छोटी अपनी खुशी से गई है बराबर, और आप हमेशा उसकी खुशी चाहते थे ना, तो फिर उसकी खुशी में खुश क्यों नहीं हो रहे आप? हाँ उसकी खुशी में खुश क्यों नहीं हो रहे हैं? और ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा के लिए चली गई है, हम कभी से देख नहीं पाएंगे। मत करो ऐसा, छोटी को हम जब चाहे देख सकते हैं, वो जब चाहे यहाँ आ सकती, तो फिर ऐसा क्यों करें अनुज, अपने आपको ऐसी तकलीफ मत दीजिए। आपको अपने आपको संभालना होगा कपड़िया जी, आपको इस सदमे से बाहर आना होगा, आप अपने आपको इस तरह से सजा नहीं दे सकते, आपने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया, आपने सुना आपने, मैं आपसे क्या कह रही हूँ अनुज, आप मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? हो कपड़िया जी आपको मेरी बात का जवाब देना होगा, आपको मुझसे बात करनी होगी, मैं आपसे कब से बात की जा रही हूँ, आप बात क्यों नहीं कर रहे? आप बताइए मुझे आप बात क्यों नहीं कर रहे? आप पागल हो गए क्या? आप पागल हो गए हो, मैं पागल हो गया, पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं आई कुडंट मैच चल कर तुमने पागल हो गया हूँ। कीजिए ये सब थोड़ी फोड़िए, चाहे जो करना कीजिए आप, पर मुझसे बात कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए। क्या बात करूं मैं तुमसे, क्या बात करूं बोलो, क्या बात करूं यार मैं तुमसे? कुछ भी बात कीजिए लेकिन बात कीजिए मुझसे, आपको मुझसे बात करनी होगी। नहीं कर रहा मेरा मन तुमसे बात करने का, क्यों नहीं समझ रही मेरी बात तुम? नहीं कर रहा मेरा मन किसी से बात करने का यार, जब से मेरी बेटी गई है मुझे जीने का मन नहीं कर रहा, बात करिए बात करिए, क्या बात करूं, करो बात मुझसे, करो क्या बात करनी, करो, नहीं मन कर रहा मेरा बात करने का यार, मुझे समझ नहीं आ रहा अनु कि सब लोग अपनी जिंदगी में इतनी आसानी से कैसे वापस लौट गए, कैसे लौट गए सब, हाँ कैसे लौट गए? I can't do this, मुझसे नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी बेटी खोई है अनुपमा। अपनी इकलौती बेटी खोई है मैंने, किसी को कोई दुख नहीं है मेरी बेटी के जाने का यार, कोई अफसोस नहीं है किसी को, और तुमने तो मुझसे कहा था ना कि अनुज
अनुज हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, उस माया को कुछ नहीं करने देंगे, अपनी बेटी को बचा लेंगे। तुमने कहा था ना, मुझसे वादा किया था। फिर क्या हो गया अनु, क्यों नहीं लड़ी तुम? अरे खुद लड़ना तो छोड़ो, तुमने मुझे नहीं लड़ने दिया, मेरे हाथ बांध दिया कि नहीं हम अपनी बेटी को तंग नहीं होने देंगे, उसे कोर्ट के चल। क्यों? एक कोशिश तो करने देती मुझे। तुम्हें उसके जाने का कोई दुख कोई अफसोस तो है नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे तो सारे बच्चे तुम्हारे साथ हैं, तीनों के तीनों तुम्हारे साथ हैं, पर मेरे पास सिर्फ मेरी बेटी थी अनु, मेरी बेटी जिसे मैंने गोद लिया, मेरी छोटी। सिर्फ छोटी थी मेरे पास, और तुमने उसे भी मुझसे दूर कर दिया। अनु बात करने के लिए कह रही हो ना, तो कर रहा हूं बात, अब सुनो। ये जो घर है ना, ये घर मुझे घर लगता था, लेकिन अब ये घर मुझे पिंजरा लगता है, दम घुटता है मेरा। दम घुटता है मेरा। इस घर के कोने कोने में, इधर देखो, इस कोने में हर कोने में मुझे मेरी बेटी की याद आती है, उसकी चीजें दिखती है, उसके बनाए स्केचेस, उसकी खींची तस्वीरें, उसके खिलौने दिखते हैं। यार मुझे अनु, बात करने को कह रही हो तो मुझसे, हर चीज मुझे मेरी छोटी की याद दिलाती है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी याद नहीं आती, उसके साथ मुझे अपनी हार, अपनी नाकामी, अपनी बेबसी याद आती है। 15 दिनों में उस माया ने हमारी बेटी को बहला फुसला लिया, लेकिन हम इतने महीने में नहीं जीत पाए उसका दिल। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी छोटी को कहीं जाने नहीं दोगी, कहा था ना तुमने, तो तुमने क्यों नहीं किया? तुमने उसे क्यों जाने दिया, क्यों रोका मुझे? अनुपमा, तुम अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हो ना, उन तीनों के लिए। उनके हाथ में चोट लग जाए तो तुम उस घर में चली जाती हो जहां तुम्हें इतना दुख मिलता है, तब भी तुम जाती हो ना, तो तुम मेरी बेटी के लिए एक औरत एक माया से क्यों नहीं लड़ी अनुपमा? अनुपमा, अब समझ आया मैं क्यों नहीं बोल रहा था? देखिए तुम्हें बात करनी है ना, तुम चाहती हो कि मैं बात करूं तो सुनो। तुमने सिर्फ मेरी छोटी को मुझसे दूर नहीं भेजा है, तुमने खुद को मुझसे कोसों दूर कर लिया है। तुमसे दूर जा रहा हूं, हर पल तुमसे दूर जा रहा हूं यार, मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहता, क्योंकि जब मैं तुम्हें देखता हूं ना, तो मुझे अपनी हार दिखती है, अपनी बेबसी दिखती है। यार मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे पास आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी से दूर जा रहा हूं। पहले तुम मेरा प्यार थी, मेरा क्रूर थी, मेरी जीत थी अनुपमा, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार की वजह बन गई हो। इसलिए तुम्हें अवॉइड करता हूं, इसलिए तुम्हारी किसी सवाल का जवाब नहीं देता मैं, इसलिए तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाता अनुपमा। तुम्हें देखना, तुम्हें बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है मेरे लिए, नहीं हैंडल हो रहा मुझसे, रिश्ते बोझ लगने लगे हैं, कोई रिश्ता कोई नाता मैटर नहीं करता। हाँ पागल हो गया हूं मैं, इसलिए रिश्ते प्यार अपनापन इन सब पे विश्वास नहीं है मेरा, उठ चुका है।
मुझ पर तो विश्वास है नहीं। तुम्हारे बगैर सांस नहीं आती थी मुझे अनुपमा, और अब तुम्हारे साथ सांस नहीं आती। स्वागत नहीं करेंगे हमारा? We are back! अनुज, ओए! क्या हुआ अनु? सब लोग ऐसे क्यों हैं? अनुज भी बिना मिलने चला गया? क्या हुआ, क्या है? अनु, इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो, और तूने मुझे बताया तक नहीं। तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं, तेरी सास नहीं, जो मुझसे बातें छुपाई जा रही हैं। छोटी 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 चली गई, और अगर मैं यहाँ होती रानू तो मैं उस माया का ना पापड़ बना देती। अनु, तू इतने अच्छे क्यों है यार? क्यों तू अपना दर्द, अपने दर्द को भुला कर तू अनुज को संभालने लग गई? ये नहीं सोचा कि तुझे संभालने वाला भी कोई चाहिए? और अनुज, अनुज को तेरा दर्द दिखाई दिया कि नहीं? ये कैसे हो गया यार अनु? जिस इंसान को सिर्फ चांद दिखता था, उसको सिर्फ दाग दिख रहा है? ये बात नहीं है, मैं अनुज का दर्द, अनुज की तकलीफ, उनका दुख अच्छी तरह से समझती हूँ, जानती हूँ कि उन पर क्या बीत रही है इस वक्त। लेकिन वो तो बेचारे, उन्हें खुद पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तू गलती कर रहा है, पहले भी कर चुका है, फिर से कर रहा है गलती। दुनिया उल्टी नहीं है, तू उल्टा लटका हुआ है, और इसलिए तुझे सब कुछ उल्टा दिख रहा है। तेरी हिम्मत कैसी हुई भाभी से कुछ भी कहने की? हाँ, जो कुछ भी हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन इसमें भाभी की क्या गलती है? किसकी गलती है धीरज? मेरी? मैंने ऐसा कहा क्या? तो बोल ना, किसकी गलती है? जो तू बोल रहा है, बोल किसकी गलती है? बच्ची को भेजने की 15 दिन की शर्त किसने लगाई? तू ये सोच कि अगर वो ये शर्त नहीं लगाती तो छोटी 15 दिन पहले चली गई होती। तो सिर्फ 15 दिन की शर्त क्यों लगाई? उसे रोकना था तो जिंदगी भर के लिए रोकती, ना खुद लड़ी ना मुझे लड़ने दिया, छोटी को जाने क्यों दिया? माया के पास गई। लेकिन बच्ची है वो, किस बच्ची को अकल होती है अपने भले बुरे की इस उम्र में? हम बड़े हैं, हमें समझना चाहिए धीरज। हाँ तो क्या करती वो? छोटी को कोर्ट में घसीटती? हाँ, माया उसकी बायोलॉजिकल मदर है, तो कोर्ट क्या भगवान के पास भी जाता ना तो भी छोटी माया को ही मिलती। भाभी ये बात समझ चुकी है, लेकिन तू गधे इस बात को नहीं समझ पा रहा है। तुझे दोष देना है ना तो किस्मत को दे, खुद को नहीं दे, और भाभी को तो बिल्कुल भी नहीं। तू लेक्चर मत दे, मैं थक चुका हूँ लेक्चर सुन सुन के सबका। प्लीज यार,
चुपचाप यहां खड़ा रहे और मेरी बात सुन। तू सच से भाग रहा है और तू भागता भागता थक जाएगा, लेकिन ये सच ना बदलेगा ना तेरा पीछा छोड़ेगा। सच को मान ले यार प्लीज। आई नो दिल टूटा है लेकिन क्या करें, जब तक सांस है तब तक दर्द है, यही जिंदगी है। बड़ी मुश्किल से तूने और भाभी ने प्यार को पाया यार, इसे खोने मत दे यार। ऐसा मत कर प्लीज, ऐसा मत कर मेरे भाई। तू नहीं समझेगा धीरज, तू नहीं समझेगा। समझने की कोशिश तो कर रही हूं पर कितना समझूं? अनुज को इस हालत में देखकर ना मेरी जान निकल रही है। कहीं आते जाते नहीं है, ऑफिस तक जाना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं कर रहे। उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि जैसे मैं हुई नहीं। मेरे अनुज जीना भूल गए थे बेका, और उन्हें देखकर मैं तिल तिल करके मर रही हूँ, हर पल मर रही हूँ, सब मौतें मर रही हूँ उनको देखकर। पर मैं नहीं रहूंगी क्योंकि मुझे मेरे अनुज को संभालना है। मैं नहीं संभालूंगी तो कौन संभालेगा? मैं जानती हूँ मेरे अनुज को, मैं जानती हूँ मेरे अनुज को, मैं जानती हूँ। देविका, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई देविका। पता, छोटी दूर जाकर भी इतनी दूर नहीं हुई है जितना कि मैं साथ रहकर हो गई हूँ। कैसे संभालूं अनुज को, कैसे संभालूं, क्या करूं जो एक बार। देविका तू कुछ कर ले, तू कुछ कर ले देविका। मेरे अनुज को सदमे से बाहर निकाल ले, उन्हें कुछ हो जाएगा देविका, उन्हें कुछ हो जाएगा, उन्हें सदमे से बाहर निकाल देविका, उन्हें कुछ हो जाएगा, उन्हें कुछ हो जाएगा। अनु कुछ नहीं होगा, तू फिक्र मत कर। धीरज ना अनुज से बात कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा दे, सब हो जाएगा, मेरे अनुज ठीक हो जाएंगे दे, सब हो जाएगा यार। दोनों तो तुम लोगों को खुशखबरी देने आए थे और खुशखबरी? नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोले क्या? धीरज छोड़ मुझे, लेट मी गो। मुझे तू छोड़, तू अपना गुस्सा छोड़, अपनी जिद छोड़। अरे जिद तू कर रहा है यार, मुझे जाने देना, क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, मुझे जाने दे। मैं नहीं छोड़ूंगा, तू मेरा मुंह तोड़ दे चाहे। लीव मी धीरज, लीव मी यार, लीव मी। मैं और देविका तुम दोनों के साथ यहाँ होली खेलने आए थे, होली, और ये सोचा था कि त्योहार में हमारी शादी की खुशखबरी देंगे तुम दोनों को। क्या शादी? मैंने और देविका ने शादी करने का फैसला किया। तुझे और भाभी को नहीं देखा होता ना तो इस उम्र में मैं शादी करने के बारे में सोचता भी नहीं। तुम दोनों को हमने देखा तो हम दोनों ने यह डिसाइड किया कि हमें भी तुम दोनों की तरह अपने पास को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और खुद को एक मौका देना चाहिए। मैं तो तुझे बारात का न्योता देने आया था साले, लेकिन तूने यहां सबका बैंड बजा के रखा हुआ है। I'm sorry, मैं जानता नहीं था कि तुम और देविका। मैं अपने दुख में जरूर दुखी हूं धीरज, लेकिन देविका और तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। तुम दोनों जेन्युइनली ये खुशी डिजर्व करते हो। तुम और भाभी भी दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करते हो यार। छोटी चली गई लेकिन तेरी अनुपमा तो
अभी भी है ना तेरे पास, वही अनुपमा जो तुझे 26 साल के इंतजार के बाद मिली है यार। से हट मत कर, खुद से दूर मत कर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।